स्वागत है दोस्तों आप सभी को प्रज्ञान ए टू जेड चैनल में। दोस्तों मैं आपका दोस्त राजमंडल। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि न्यूमैटिक सिस्टम क्या है और न्यूमैटिक सिस्टम को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों न्यूमैटिक सिस्टम एक बहुत पुराना सिस्टम है जो कि आज नहीं काफ़ी सालों से चलता आ रहा है, साथ में उसके साथ बहुत सारा उसमें बदलाव भी देखा गया है। दोस्तों ये न्यूमैटिक सिस्टम एक पार्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग है, जो एक इंजीनियरिंग का पार्ट्स है, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों न्यूमैटिक सिस्टम एक्चुअली ये कंप्रेस्ड एयर से ऑपरेट होने वाला सिस्टम है। तो हम इसको ऐसा समझ लेंगे, एयर से ऑपरेट होने वाला सिस्टम को हम न्यूमैटिक सिस्टम बोलेंगे। जिस तरह जैसे कि डीजल से ऑपरेट हो, डीजल इंजन कहलाएंगे, या पेट्रोल से पेट्रोल इंजन कहलाएंगे, इलेक्ट्रिक से ऑपरेट होने वाले इलेक्ट्रिक इंजन कहलाएंगे, इलेक्ट्रिक सिस्टम कहलाएंगे। इसी तरह हवा से ऑपरेट होने वाले न्यूमैटिक सिस्टम कहलाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों इसके लिए हमें कंप्रेस्ड एयर की ज़रूरत पड़ता है। कंप्रेस्ड एयर के लिए हमें एयर कंप्रेसर का मदद लेनी पड़ती है, ठीक है ना दोस्तों। तो बिना एयर कंप्रेसर के बिना आप कोई भी न्यूमैटिक सिस्टम ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका सवाल होगा कि यदि हम एयर से ऑपरेट करते हैं तो एयर कंप्रेसर की क्या ज़रूरत है। सही बात है दोस्तों, नॉर्मली जो हमारा इन्वायरमेंट में एयर है उसका प्रेशर बहुत ही कम है, जैसे कि 0.26 bar। लेकिन हमारे न्यूमैटिक सिस्टम ऑपरेट करने के लिए मिनिमम 2 bar की ज़रूरत पड़ते हैं, 2 bar से अबव की ज़रूरत पड़ते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इसके लिए हमें 0.26 bar से 2 bar, 3 bar, 4 bar, 5, 6, 10 तक ले जाने के लिए हमें एयर कंप्रेसर का मदद लेनी पड़ती है। तो आप समझ गए होंगे कि एयर कंप्रेसर का क्या यूज है उसमें। ओके दोस्तों, तो अभी हम समझने की कोशिश करेंगे कुछ इंडस्ट्रीज में इस टाइप का एयर एयर कंप्रेसर का लेआउट दिए जाते हैं। जैसे कि ये एयर कंप्रेसर हो गए, ये रिसीवर टैंक हो गए, लाइन फिल्टर्स हो गए, एयर ड्रायर, फाइनल फिल्टर। इसके बाद हम हमारा न्यूमैटिक सिस्टम में इस्तेमाल कर सकते हैं एयर को। लेकिन इसके अलावा भी इस टाइप का भी सेटअप से सिर्फ एयर कंप्रेसर एक फिल्टर से भी न्यूमैटिक सिस्टम ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें कोई कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। इसके अलावा हम बात करेंगे कि न्यूमैटिक सिस्टम को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में काफ़ी जगह पे न्यूमैटिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। इसके अलावा फूड इंडस्ट्रीज में, केमिकल इंडस्ट्रीज में, टेक्सटाइल में भी न्यूमैटिक सिस्टम का काफ़ी जगह उपयोग देखा गया है। इसके अलावा कि आप रेल में देखे होंगे, अब जब ये रेल्स में ना एक साउंड आता होगा इस टाइप का, जैसे कि एयर ब्रेक के रूप में भी यूज किया जाता है, एयर शॉक ऑब्जर्वर के रूप में भी ट्रेन में यूज किया जाता है न्यूमैटिक सिस्टम का। इसके अलावा प्रिंटिंग मशीन है, छोटे छोटे प्रिंटिंग मशीन को भी न्यूमैटिक सिस्टम से ऑपरेट किया जाता है। इसके अलावा बड़े बस ट्रक्स में भी एयर ब्रेक के रूप में न्यूमैटिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आपने छोटे छोटे रोबोट्स देखेंगे, बड़े रोबोट्स देखे होंगे, उसमें भी न्यूमैटिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा न्यूमैटिक ड्रिल के रूप में, न्यूमैटिक क्लैंप के रूप में भी न्यूमैटिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद असेंबली लाइन, जैसे 2 व्हीलर, 4 व्हीलर्स या बड़े ट्रक्स, एरोप्लेन्स, असेंबली लाइन्स में भी न्यूमैटिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों देखेंगे कि आपने देखा होगा बहुत सारा थर्मोफॉर्मिंग मशीन, वैक्यूम फॉर्मिंग मशीन को भी न्यूमैटिक सिस्टम से ऑपरेट किया जाता है, ठीक है दोस्तों।
उसके अलावा यदि आप मशीन नहीं भी देखे होंगे, इस टाइप के प्लास्टिक प्रोडक्ट देखे होंगे, तो बिना न्यूमेटिक सिस्टम से प्लास्टिक प्रोडक्ट ही नहीं बना सकते हम, तो इसमें काफ़ी जगह यूज किया जाता है। इसके अलावा कार वॉशिंग के लिए और टेस्टिंग इक्विपमेंट के लिए भी न्यूमेटिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों जैसे कि आप देखे होंगे, इस टाइप का बहुत सारा मशीन्स में लगे रहते हैं, छोटे छोटे ऑटोमेटिक मशीन्स में भी लगे रहते हैं, जैसे लीनियर सिलेंडर, रोटरी सिलेंडर्स और वाल्व्स, रॉडलेस सिलेंडर्स में भी न्यूमेटिक सिस्टम का यूज किया जाता है। इसके अलावा जो बसेस में और ट्रेन्स में भी आप देखे होंगे, न्यूमेटिक गेट के रूप में वहाँ पे भी न्यूमेटिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि न्यूमेटिक सिस्टम बहुत ही चीपेस्ट है और काफ़ी इजीली मेंटेनेंस कर सकते हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम मार्केट्स में भी न्यूमेटिक सिस्टम का आप उपयोग देखा होगा, जैसे कि वैक्यूम पंप के रूप में, न्यूमेटिक पंप के रूप में, क्योंकि इसमें सेफ्टी के हिसाब से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक पंप से न्यूमेटिक पंप अच्छा होता है। इसके अलावा आपने देखे होंगे इक्यूमेन या मेटल हैंडलिंग सिस्टम के लिए भी न्यूमेटिक सिस्टम का यूज किया जाता है, मेटल हैंडलिंग के लिए भी न्यूमेटिक सिस्टम का यूज किया जाता है, जो कि आप इस टाइप का कहीं काफी जगह बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में देखे होंगे। मेडिकल इक्विपमेंट के रूप में भी न्यूमेटिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखे होंगे कि ब्लड प्रेशर टेस्टिंग के लिए भी हम न्यूमेटिक सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा नट रनर के रूप में और पावर हैमर्स के रूप में भी न्यूमेटिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बड़े बड़े कार हो गए, छोटे कार्स हो गए, बड़े ट्रक्स हो गए, ऐसे से इसके नट्स खोलने के लिए न्यूमेटिक नट रनर का इस्तेमाल किया जाता है, जो काफ़ी यूज किया जाता है और काफ़ी फोर्सफुली भी रहता है। और इस टाइप का पावर हैमर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कि रिवेट गन, पंचिंग टूल्स और भी नट ड्राइवर, ऐसे से न्यूमेटिक बहुत सारा टूल्स हैं जो न्यूमेटिक से उपयोग किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो हम ज़्यादा और नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो है, यदि इसमें कोई भी मिस्टेक्स हो, कोई गलती हो, तो प्लीज़ अपना दोस्त समझ के माफ़ कीजिए। मैं कोशिश करूँगा आगे का वीडियो और भी अच्छा बनाएं। दोस्तों आपको थोड़ा भी पसंद होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर इम्प्रूव करूँगा मेरा वीडियो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।